बैक टू माई चैनल, दिस इज आशी फ्रॉम अमायरास मेकओवर्स। गर्ल्स, मैं आज आपको आईब्रोज डिफाइन करना बताऊंगी कि किस तरीके से हमारी आईब्रो में अगर आर्च नहीं है, दिस इज द आर्च पॉइंट, किस तरीके से हम आर्च को बना सकते हैं, किस तरीके से अगर हमारी आईब्रोज छोटी हैं उनको बड़ा कर सकते हैं, कैसे उनकी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, कौन कौन से हमें उसमें कलर्स डालने चाहिए, किन कलर्स का यूज़ करना चाहिए, हमें पाउडर बेस बनाना चाहिए या कि मिल्क या कि हमारा पाउडरी ना होकर क्रीमी बेस हो, इस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो गर्ल्स, बहुत ध्यान से वीडियो देखना और मैंने बहुत इजी वे में इस चीज़ को बताया है, आप उसको फॉलो कीजिए और बहुत इजीली आप उसको बना पाओगे। तो चलते हैं और देखते हैं हाउ टू इन्हांस आईब्रोज। वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू आपके पास में नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, जितनी भी मेरी वीडियोस आएंगी आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो गर्ल्स एंड बॉयज़, जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू। गाइज, अब मैं आईब्रो इन्हांस करूँगी। ये आईब्रो है, ये इसका टॉप पॉइंट है, ये इसका लोअर पार्ट है, ये इनर कॉर्नर एंड दिस इज आउटर कॉर्नर। ये आर्च है और हमें आर्च से ही अपना वर्क स्टार्ट करना है। इसके लिए मैंने शुगर की आई शेडो पैलेट ली है, जिसमें से मैं डार्क ब्राउन और ग्रे शेड को चूज कर रही हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लूंगी। इसके बाद मैंने इस ब्रश टूल का यूज किया है। अब मैं आईब्रो इन्हांस कर रही हूँ। जो आर्च था वहीं से नीचे की तरफ पहले ले जाना है, फिर आर्च से पीछे की तरफ हमें पुश करना है और फिर आप देखिए कि जो इनर कॉर्नर है वहां से हम पुश कर रहे हैं पीछे की तरफ। सेम यही जो है हमें नीचे की तरफ करना है, पहले आर्च से बैक की तरफ एंड फिर आर्च से जो इनर कॉर्नर है, इनर कॉर्नर से पीछे की तरफ हमें वर्क करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि आगे के बालों में हमें स्ट्रेट ब्रश को चलाना है, जिससे कि ऐसा लगे जैसे कि यहां पर नए हेयर की ग्रो हुआ है, नेचुरल लगना चाहिए। अब बालों को मैं ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा उसे मेंटेन कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। अब यही सेम प्रोसेस दूसरे आईब्रो के लिए करना है। हमें आर्च से नीचे की तरफ ब्रश को पुश करते हुए इसे करेक्ट करना है, उसके बाद आगे का जो एरिया है उसको करेक्ट करेंगे। आगे का एरिया करेक्ट करने के बाद में हम फिर से स्ट्रेट ब्रश अपना लेंगे और फिर आगे के हेयर को ऐसा शो करेंगे जैसे आगे के हम हेयर ग्रो कर रहे हैं। सेम नीचे का करेक्शन करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो ब्रश चलाना है बिल्कुल आईब्रो से सटाकर चलाना है, बिल्कुल से दूर नहीं चलाना है, नेचुरल ये सब कुछ लगना चाहिए। आईब्रो करेक्ट करने के बाद में, उसको एक शेप देने के बाद में, अब हम इसके अंदर जो कलर्स हैं उनको डाल रहे हैं, जिससे कि आईब्रो बिल्कुल भी आर्टिफिशियल ना लगे, उसका सेम कलर लगे। इसके लिए आपने जिससे आउटलाइन बनाई है उसी कलर को उसके आईब्रो के अंदर आपको अच्छे से फिल करना है। करेक्शन हो जाने के बाद में मैं उसे हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पास ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। मैं इसके लिए कॉम्पैक्ट का यूज कर रही हूँ। आप कॉम्पैक्ट की जगह कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हो, कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हो। जहां पर आपने लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल उसके नीचे, बिल्कुल उससे मिलती हुई आपको जो ब्रश अप्लाई करना है नीचे और ऊपर दोनों तरफ, और उसको बहुत अच्छे से मर्ज कर देना है, जिससे कि वो स्किन से बिल्कुल अलग ना लगे। गर्ल्स, आपने देखा कि किस तरीके से आईब्रो को हाईलाइट किया जाता है। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, बहुत अच्छी आपकी आईब्रोज हाईलाइट हो पाएंगी, इन्हांस हो पाएंगी। जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी, वो ये कि स्टार्टिंग में जब आप बिगनर्स होंगे तो आप अभी क्रीम बेस्ड का यूज़ ना कीजिए, आप इस समय पाउडर का यूज़ कीजिए, और पाउडर के थ्रू अगर आप ब्रश में लेकर उसको आईब्रो को हाईलाइट करेंगे, इन्हांस करेंगे, तो इन दैट केस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा नेचुरल आएगा। जो क्रीम बेस यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब नाइट का फंक्शन होते हैं, बहुत भारी फंक्शन होता है जिसमें कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो, इन दैट केस वो अच्छा लगता है, अदरवाइज़ वो बहुत अननेचुरल लगता है। वन मोर थिंग कि आप जो पाउडर भी यूज़ करेंगे वो ब्लैक यूज़ ना करके आप डार्क ब्राउन यूज़ कीजिए, स्लेटी जिसे हम ग्रे कलर करते हैं, डार्क ग्रे कलर, इन दोनों का मिक्स मैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर्स अगर आप आईब्रो में लगाएंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा लुक नज़र आएगा। आपने देखा कि मैंने अपनी आईब्रोज में भी डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है, ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया है। ये छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान देंगे तो आप बहुत जल्दी आईब्रोज इन्हांस कर पाएंगे और अपनी ब्यूटी को बढ़ा पाएंगे। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द
बेल आइकन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।